हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्राची तिवारी फ्रॉम इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उन सब पर डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ही बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कला शिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने अभी जल्दी में ही कला शिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इसमें क्या होगा कि जो फ्लिपकार्ट है, ये जितने भी कला शिल्प हथकरघा इन सब क्षेत्रों के जो प्रोडक्ट हैं इनको ऑनलाइन बेचेगा और ऐसे करके इन जो छोटे छोटे रोजगार हैं इन लोगों को मदद करेगा, और इसीलिए उड़ीसा राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है। अब ये काम फ्लिपकार्ट ने किया है तो उससे रिलेटेड और भी चीजें जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी जल्दी में बनाए गए हैं मोहम्मद रफीक, और उड़ीसा में ही मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई। उड़ीसा में ही सतकोरिया टाइगर रिजर्व है और उड़ीसा में ही सिंपलीपाल नेशनल पार्क है। उड़ीसा में गरीहट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिल्का लेक है, और चिल्का लेक पूरे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि कलिंग किसका पुराना नाम था, ये कई बार मैंने देखा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएस शेरचंद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी गणितज्ञ। मद्रास के एक यूनिवर्सिटी के सी एस शेषचंद्र गणितज्ञ थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर के साथ मोदी कौन से नंबर पर है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तीसरे नंबर पर। इस समय नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री 6 मिलियन फॉलोअर के साथ ट्विटर पर तीसरे नंबर पर हैं। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर है बराक ओबामा, सेकंड नंबर पर है डोनाल्ड ट्रंप और थर्ड नंबर पर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यूएई यानी यूनाइटेड अर्बन इमराइज। इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसके प्रेसिडेंट हैं खलीफा, और यहाँ की यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। अब ये यूएई की बात है तो यूएई में जापान की तरफ से ये पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया गया है, इसको जापान ने लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनतम रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नवीनतम रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि जो कोरोना से बहुत सारे लोग प्रवासी बाहर से आए हैं यहाँ पर राज्य में, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, उन सभी लोगों को रोजगार देने के लिए और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नवीनतम रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। अब ये उत्तर प्रदेश ने की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस और फूल है पलास का फूल, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष।
उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इतनी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी ही जाती हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, तो उत्तर प्रदेश ने अभी जल्दी में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों के आधार पर सुनवाई करने वाला भी ये पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में ही श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश ने ही आरोग्य सेतु को अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है और ये सारी जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़िए किसी भी चीज के बारे में तो हमेशा उसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर अजेंद्र सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जर्मनी, यानी बी ऑप्शन सही है। जर्मनी के फुटबॉलर जिनका नाम है अजेंद्र सुरले, इन्होंने अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रापी 2020 का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने अभी जल्दी में ही हंगरी ग्रापी 2020 का पुरस्कार जीता है, ये फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड नंबर की अगर बात करें तो ये वॉल्टेरी वोटास, ये सेकंड नंबर पर है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। यानी कि इस क्वेश्चन में जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 है उसके दो विजेता हैं, मोरियाना वाके और मारियाना वर्दी नाइनिस, ये दोनों लोग इस बार के नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता हैं। अगर दो लोग की बात करें तो इन दोनों लोगों ने, जो मोरिशाना काइलट, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के प्रति बहुत ही संघर्ष किया है और महिलाओं के खिलाफ कई बार जो भी वो अपराध होते हैं उन सबको रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, इसीलिए इस बार की विजेता हैं ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार की। अगर सेकंड नंबर मारियाना वर्दी नाइस की बात करें तो इन्होंने कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद की है और कई सारे बच्चों का इन्होंने सर्जरी भी करवाया है, यानी मानव सेवा, इन्होंने भी बहुत सारी मानव सेवाएं की हैं, इसीलिए इस बार के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के ये दोनों लोग विजेता हैं और इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेल्सन मंडेला दिवस जो मनाया जाता है वो एक बहुत ही नेक इंसान थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और ये पुरस्कार मानव सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम के तहत एक साल तक सुगंधित तंबाकू पर रोक लगा दी? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने अभी जल्दी में ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक साल के लिए सुगंधित तंबाकू पर रोक लगा दी है। दिल्ली में तो तंबाकू पर पहले ही बैन लग चुका है, लेकिन जो और भी कई सारी छोटी छोटी इलायची या फिर ऐसे कई सारे प्रोडक्ट थे जो सुगंधित थे, लेकिन अब लोग जो है उसमें भी तंबाकू भरकर बेचते हैं, इसीलिए दिल्ली राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक साल के लिए जितनी भी सुगंधित तंबाकू है उन सबको बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हुसैन जैदी ने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एंड गेम और ये एक उपन्यास है। ये जो हुसैन जैदी हैं ये एक क्रिमिनल राइटर हैं और इन्होंने ही एंड गेम नामक पुस्तक यानी उपन्यास को लिखा है और इसका टाइटल है राजनीतिक विश्वासघात एवं अकल आतंकवाद। एक्चुअली होता क्या है, जो ये क्रिमिनल राइटर होते हैं ये अपनी बुक्स को ऐसे ही टॉपिक पर लिखते हैं, इसीलिए इन्होंने राजनीतिक विश्वासघात एवं अकलमंद आतंकवाद इस टॉपिक पर ये बुक लिखा है
एंड गेम, और यह भी जल्दी में ही लॉन्च की गई है। इसके राइटर हैं हुसैन जैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान राज्य सरकार ने, पबजी एक गेम है और इसको अभी पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाने की, वर्षगांठ मनाने की घोषणा कब की गई है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध विजय दिवस वर्षगांठ मनाई जाती है और इस समय इसका सप्ताह चल रहा है, यानी कारगिल युद्ध विजय सप्ताह इस समय चल रहा है और आने वाले 26 जुलाई को कारगिल विश्व युद्ध दिवस की वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी कारगिल विश्व युद्ध में सेनानी थे उन सभी लोगों को याद करके श्रद्धांजलि देते हुए यह दिवस मनाया जाएगा 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रमेश निशंक पोखरियाल। रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी जल्दी में ही स्टूडेंट्स के लिए मनोदर्पण योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि 7 अलग अलग तरीके से बच्चों की हेल्प की जाएगी, पढ़ाई में जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है उसमें 7 अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने MHRD मंत्री ने मनोदर्पण योजना की शुरुआत की है। अब 7 तरीके से की जाएगी, तो वो 7 तरीके इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है टोल फ्री नंबर, दूसरा है ऑनलाइन चैटिंग, वेब पोर्टल, हैंडबुक, एडवाइजरी, ट्रैकिंग एवं काउंसलिंग। ये 7 ऐसे तरीके हैं जो मनोदर्पण योजना के तहत लागू किए जाएंगे और इसको अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ प्रत्यार्पण संधि को तोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चीन। चीन के साथ में अभी जल्दी में ही ब्रिटेन ने प्रत्यार्पण संधि को तोड़ दिया है। अभी आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा प्रत्यार्पण संधि। ये प्रत्यार्पण संधि होती है जैसे एक देश के मुजरिम यानी अपराधी दूसरे देश की जेलों में बंद होते हैं और उस देश के मुजरिम किसी अन्य देश में बंद होते हैं जेल में, तो उसी को जो ट्रांसफर होता है, मतलब आप अपने देश का अपराधी ले जाइए और हमारे देश का अपराधी दे दीजिए, ये जो ट्रांसफर होता है इसी ट्रांसफर को प्रत्यार्पण संधि कहते हैं और इस संधि को अभी ब्रिटेन ने चीन के साथ में तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ, वे कहां के राज्यपाल थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी जल्दी में ही हुआ है तो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। ये काफी टाइम से बीमार थे इसीलिए मध्य प्रदेश का चार्ज आनंदी बेन को दिया गया था और अभी इनकी डेथ हो गई है। अभी ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आसपास नामक एक योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना की शुरुआत हुई, जीवन शक्ति योजना की भी यहीं पर शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु लागू किया गया था और मिड डे मील बांटने वाला पूरे भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुलिस ने ही FIR आपके द्वार एक पहल की शुरुआत की थी और मध्य प्रदेश तो इसकी राजधानी है भोपाल, यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के अभी तक गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन अब इनकी डेथ हो गई है और अभी तक जब ये बीमार थे तो इनका चार्ज यानी मध्य प्रदेश के गवर्नर का चार्ज उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल को दिया गया था। तो ये थे आज के सभी करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कल का क्वेश्चन था, स्मृति वन योजना की शुरुआत कहां हुई? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी जल्दी में ही स्मृति वन योजना की शुरुआत की है। आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया? इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुन के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, आंसर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको पता है वो सारी चीजें डिटेल में लिख दिया करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, उसकी लिंक दी गई है, आप उसपे क्लिक करके डायरेक्ट ओपन करके वहां पे सारी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ ले सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसकी भी लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। आई थिंक वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए आप इसको जरूर ज्वाइन करिए और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप अटेंड करिए। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग एक साथ सारी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर क्या जब कोई चीजें 20 से पूछी जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अटेंड करिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी।